ये हमारा जिम्मेदार सरपरस्त नहीं है, हमारी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जमीन हमारी चीज हम वापस लेने के लिए आगे पीछे पसो पेश हो रहे हैं, कोर्टों के पीछे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। जिस वक्त हमारे अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपके साथ अल्लाह की मदद होगी। आप अपनी कीमत को नहीं जानते, आप अपनी कीमत को नहीं जानते। एक एक आदमी की पूरे कैंडिडेट्स MIM पार्टी का स्टैंड आंध्र प्रदेश को नहीं तोड़ना था, मगर अब जब ये फैसला लिया जा चुका है इसलिए बहुत जरूरी है रहेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता हमको बहुत तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस डिवीजन से, इस बाइफर्केशन से जो कांग्रेस पार्टी ने किया, इससे रायलसीमा को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरे पार्टियों का अलग अलग मौकफ था, कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए, तेलुगु देशम में दो ग्रुप, इसकी वजह से ये तमाम चीजें हो गई। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में हम तमाम को मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। नांदेड़ में हमारे 11 कॉरपोरेटर हैं, वो महाराष्ट्र में है, वहां MIM पार्टी मजबूत है। कर्नाटका में बिदर में हमारे कॉरपोरेटर है, कर्नाटक में मजलिस की ब्रांच है, हर जगह MIM पार्टी की ब्रांच है। और आपका ये इलाका रायचोटी का ज्यादा दूर नहीं है, आप जब कभी भी हमको बुलाएंगे हमें इंशाल्लाह आऊंगा, आप नहीं बुलाए तो भी यहां पर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं यहां आते रहूंगा तो इनको डर रहेगा, मैं यहां आते रहूंगा तो इन्हों डर के काम भी करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो उन्हें समझते हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक म्यूनिसिपल इलेक्शन में करेंगे। मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम फिरका परस्त नहीं है, मगर अगर मैं किसी गरीब मुसलमान के हक की बात करता हूं तो क्या उसमें कौन सी बुरी बात है? अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, मुसलमानों बच्चों को नौकरियां मिलना चाहिए, ये कौन सी बुरी बात है? अगर मैं ये कहूं कि नहीं, मेरे बच्चों को स्कूल चाहिए, ये कौन सी बुरी बात है? अगर मैं कहूं कि पुलिस में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए तो कौन सी बुरी बात है? अगर मैं ये कहूं कि हमारे जामा मस्जिद की 12.5 एकड़ जमीन जो गवर्नमेंट के पास है उसको वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाए तो कौन सी गलत बात है? अगर मैं बोलूं कि हमारे को हेल्थ सेंटर की जरूरत है, इसमें कौन सी गलती है? अगर मैं कहूं कि मुस्लिम अखलियत को तालीम में, नौकरियों में उनका हक मिलना चाहिए तो कौन सी बुरी बात है? और अगर ये मिलेगा तो इससे मुल्क का फायदा होगा, हिंदुस्तान हमारा मजबूत होगा, ये हमारा इलाका मजबूत होगा, गरीबी का खात्मा होगा। मगर जब MIM पार्टी इन मसलों को उठाती है तो सब के सब हमको फिरका परस कम्युनल पार्टी बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आज आप देखिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है हिंदुस्तान का, तेलुगु देशम पार्टी बोल रही कि हम अलायंस करेंगे बीजेपी से, ये तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू बोल रहे कि मैं बीजेपी से अलायंस करूंगा। अब तो हद तो यह हो गई कि एक फिल्म एक्टर भी जाके नरेंद्र मोदी से मिलके आया, वो क्या नाम उसका, क्या वो जोकर का नाम जो भी है।